good morning students this is another video from kingdom planty and the topic is brown algae let us deal with the general characters of this particular plant group similar to red algae they are also marine algae and possess chlorophyll a and chlorophyll c abundant fucoxanthin फाइकोकोलॉइड सल्जीन एंड रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ बराबर ऑलमोस्ट टू थाउजेंड स्पीशीज हमें ब्राउन अलगी की मिलती है मेजोरिटी ऑफ देम आर मरीन इन देयर हैबिटेट लेकिन रेड अलगी जहां हमें वार्मर सी में डेप्थ में मिलते हैं वही पे ब्राउन अलगी की बात अगर हम लोग करें तो वो टाइडल सब टाइडल रीजन ऑफ कोल्डर सीज बराबर कोल्डर सीज के अंदर हमें ये मिलेंगे यानी जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन जो उनका हुआ है वो अलग अलग तरीके से देर इज नो यूनिसेल्युलर फॉर्म इन ब्राउन अलगी कुछ डायग्राम्स से टी की और कुछ काम की देखो ये चार यहाँ दिए हैं लैमिनारिया है फ्यूकस है और डिक्टियोटा है आप जब इस पूरे पार्ट के डिफ्रेंसिएशन को देखो तो इनकी जो बॉडी है वो है थैलोज, बट उसका डिवीजन कैसा है द पार्ट विच रिमेन्स अटैच इज होल्ड फास्ट बेसल पार्ट जो इलांगेटेड एक्सिस है वो हो गया स्टाइप और उस स्टाइप के ऊपर हम लोगों को जो स्ट्रक्चर मिलता है वो स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू सिमिलर टू लीफ और उसे हमने टर्म दिया है फ्रॉन्ड तो ये क्वेश्चन यहां बनेगा कि ब्राउन अलगी के बॉडी पार्ट्स कितने तो तीन बराबर जिसमें बेसल पार्ट इज होल्ड फास्ट देन कम्स द स्टाइप एंड फाइनली देर इज प्रेजेंस ऑफ फ्रॉन्ड विच इज लीफ लाइक इसको लीफ लाइक इसको स्टेम लाइक इसको रूट लाइक ऐसा बोलेंगे जब हम लोग फ्यूकस की बात करेंगे तो फ्यूकस के अंदर हम लोगों को फ्रॉन्ड पे एयर ब्लैडर का प्रेजेंस मिलता है अब फ्रॉन्ड पे मिलने वाला ये जो एयर ब्लैडर का प्रेजेंस है ये क्या करवाएगा तो ये उस अलगी को बायसी यानि हल्कापन देता है ताकि वो फ्लोट हो सके यानि पहले डायग्राम का क्वेश्चन ये बॉडी पार्ट्स का हुआ दूसरे डायग्राम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बायसी का हुआ अब हम लोग जब डिक्टियोटा की बात करेंगे तो डिक्टियोटा पे देखो ये एक पॉइंट से ये दो ब्रांचेस इस पॉइंट से ये दो ब्रांचेस, इस पॉइंट से ये दो ब्रांचेस यहाँ दो ब्रांचेस यानी फ्रॉम ईच ग्रोइंग पॉइंट टू ब्रांचेस आर प्रोड्यूस्ड टू के लिए बायोलॉजी कई बार यूज करता है वर्ड डाइको कट हुई है दो पॉइंट्स में इसलिए टोम टोम यानी कट टोम का बना टॉमस एडजेक्टिव बना ओ यूएस से और इसलिए यहां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा डायकोटोमस ब्रांचिंग पे बराबर अब अगर हम लोग इसके आगे बढ़े और एक इंपॉर्टेंट ब्राउन अल्गी की बात करें तो दैट ब्राउन अल्गी इज सरगासम बराबर सरगासम में भी हमें होल्ड फास्ट एयर ब्लैडर फ्रॉन्ड रिसेप्टेकल ये सारे पार्ट्स मिलते हैं ये चार अलगी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम ब्राउन अलगी जिसमें से तीन एन सी आर टी की डायग्राम्स है जानबूझ के लिया है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ बेस्ड हम लोगों को मिलेगा मैंने यहाँ तीन स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात की और एक दो क्वेश्चंस मैं और बताऊंगा यहां लेना को ए करेगे एग्जामिनर फ्यूकस को बी और डिक्टियोटा को सी और ये तीन डायग्राम देके आपको पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द गिवन फिगर बराबर अब जब हम लोग इसके जनरल कैरेक्टर्स में आगे बढ़ते हैं तो फिलाेंटल स्ट्रक्चर्स लोअर फॉर्म्स में जैसे कि एक्टोकार्पस जिसकी हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं वो पर्टिकुलर पार्ट है एक्टोकार्पस बराबर और हाइयर फॉर्म्स में हमें सरगासम जैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ जो जायंट ब्राउन अलगी है ब्राउन अलगी ये लार्जेस्ट अलगी में आते हैं जायंट ब्राउन अलगी जो है उनको बोला जाता है केल्प्स ये केल्प्स वाला जो पार्ट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एम है जब मैं चार मार्क लिखता हूँ और एम बोलता हूँ तो वो नीट के पॉइंट से है ये बात याद रखना बॉडी जैसे अभी मैंने बोला कि इट इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू होल्ड फास्ट टाइप एंड लैमिना ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ब्लैडर्स है शोसैल्यूलोज एंड नॉन ग्लूकन सेकेराइड अलॉन्ग विदोकोलॉइड इसके आगे जब हम लोग बढ़े इनके जनरल कैरेक्टर्स में तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है बराबर फोटो सिंथेटिक आर प्रेजेंट जिनको क्रोमैटो हम लोग बोलते हैं बट ये थोड़ी सी रेड अलगी से एडवांस्ड है और यहाँ थ्री थाइड लैमेली मिलते हैं इस पॉइंट पे मुझे क्या बोलना है वो समझो रेड अलगी के क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ये मोस्ट प्रिमेटिव उससे एडवांस्ड ब्राउन अलगी का और सबसे एडवांस्ड ग्रीन अलगी का जिसकी सिमिलरिटी ये ब्रायोफाइटा के क्लोरोप्लास्ट के साथ है अभी जैसे शुरुआत में मैंने बोला था कि क्लोरोफिल ए है क्लोरोफिल सी है कैरोटीनॉइड्स है बट ब्राउन कलर जो है वो जैंथोफिल ज्यादा होने के वजह से जिसका नाम है स्टार्च और लिपिड अ रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों टाइप के स्पोर से होता है मोटाइल एंड नॉन मोटाइल यहां जो लोकोमोटरी ऑर्गन प्रोड्यूस किया है वो हेटेरोकॉन्ट टेरोन एग्जिबिट करता है ऐसा सेल है एक फ्लैजेला लंबा ऊपर और दूसरा जो है वो लैटरल साइड से रहेगा छोटा टू अनईक्वल फ्लैजेला आर देयर और इसलिए यहां इसे बोला है हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बराबर यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर जब हम लोग बात करेंगे तो वो स्पोर से है बराबर अब ये जो स्पेसिफिक टाइप का पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ये तीन मेथड से हो रही है कॉमनली आइसोगैमी अन और रूगैमी जो कि कॉमन है एग्जाम्पल्स की जब हम लोग बात करेंगे तो एग्जाम्पल क्या मिलते हैं मुझे लैमिनेरिया डिक्टा फ्यूकस सरगा इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या बोलता है दे कैन बी यूज एज फूड इन सम कंट्रीज जैसे लेमिनेरिया और माइक्रोसिस्टस से फॉर्डर करके भी यूज किया जा सकता है फॉलिंग ऑफ शिप्स मतलब क्या तो एक्टोकार्पस जो है वो शिप का जो हल होता है उसको अटैच हो जाते हैं बराबर न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाते हैं वो शिप के लिए सरगासम इसका एक और एग्जाम्पल है डुबो देते हैं शिप को यह एंकर नहीं पड़ता उसका बराबर आयोडीन का सोर्स है कौन फ्यूकस और लैमिनेरिया वहाँ ब्रोमीन का सोर्स था या आयोडीन है माइक्रोसिस्टिस नीरियोसिस्टिस ये एग्जाम्पल हो गए पोटैश मिलता है उनसे मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोडियम लेमिनरिन सल्फेट ये एंटी कोएगुलेंट करके यूज होता है और लैमिनेरिया और एस्कोफाइलम इनके एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज यहां हमें मिलती है बराबर अब जब इसमें एक लाइफ साइकिल की हम लोग बात करेंगे तो मैंने आपको ये बोला था कि मैं एक्टोकार्पस को लेकर ये एक्सप्लेन करने वाला हूं वाई एक्टोकार्पस तो ये कई बार पूछा गया है बराबर सरगासम को हम लोग गल्फ वीड बोलते हैं अब ये जो स्पेसिफिक टाइप का एक्टोकार्पस है उसकी लाइफ साइकिल कैसी है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल है यूजुअली ये अलगलॉन्टिक है, लाइफ साइकिल एग्जिबिट करते बराबर बट हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल मुझे मिलता है यानी फेज भी डोमिनेंट है और डिप्लॉइड फेज भी डोमिनेंट है किस टाइप से ये प्रोसेस हो रही है तो देखो हम लोग एक्टोकार्पस से शुरू करते हैं पहले उसके हैपलोंटिक फेज की बात करेंगे या फिर पहले की की करते हैं। फिर की करेंगे एक्टोकार्पस तो के प्लांट बॉडी पे प्लूरीलॉक्यूलर प्लूरी लॉक्यूलर प्लूरी स्पोरेंजिया डेवलप होंगे और ये जो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया है जो कि डिप्लॉइड है वो अब आगे बढ़ के झूसपोर फॉर्मेशन दिखाएंगे और इन झूसपोर से वापस से एक्टोकार्पस डेवलप होगा यहां झूसपोर भी डिप्लॉइड हुआ एक्टोकार्पस भी डिप्लॉइड हुआ ये उसके लाइफ साइकिल का डिप्लॉन्टिक फेज हो गया जब हम लोग इसके या याटिक फेज की बात करेंगे तो यही एक टोकार्पस यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया डेवलप करता है सीधे पार्ट पे अगर बात करें तो जब प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम है तो वो डिपलोंटिक लाइफ साइकिल की तरफ जाएगा और अगर हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल से शुरू हो रहा है तो वो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया की तरफ आएगा बराबर अब ये जो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया है इसमें मियोसिस की प्रोसेस होगी यानी यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया का क्रोमोसोमल स्टेटस डिप्लॉइड है बराबर और इनके मियोसिस से जो जूसपोर बन रहे है, वो हैप्लॉइड है ये जूसपोरस विल फर्दर प्रोड्यूस अ प्लांट बॉडी ऑफ एक्टोकार्पस अब हैप्लोइड प्लांट बॉडी स्पोर प्रोड्यूस नहीं करेगी यहां पे ये प्रोड्यूस करेंगे गमिट्स और वो गमिट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो प्ल्यूरीलॉकुलर गमिटाइन्जिया जो है वो गमिट्स प्रोड्यूस करेंगे प्ल्यूरीलॉकुलर स्पोरेंजिया जो है वो स्पोर प्रोड्यूस करेगा जूस स्पोर और जो है वो गमिट प्रोड्यूस करेंगे एक होगा मेल गमिट एक होगा फीमेल गमिट इन दोनों के फ्यूजन की प्रोसेस होगी तो इन दोनों का फ्यूजन विल रिजल्ट इनटू द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, विच इज डिप्लॉइड इन नेचर एंड दैट जाइगोट फर्दर डेवलप इन अ प्लांट बॉडी यानी मियोसिस से लेके तो झाइगोट के फॉर्मेशन तक का जो फेज है वो हैप्लॉइड फेज ऑफ द लाइफ साइकिल है और झाइगोट से लेके ऊपर का सारा का सारा पार्ट ये डिप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ साइकिल को इंडिकेट करता है अब यहां क्वेश्चन की बात आती है पहला क्वेश्चन जो मेरा बनता है कि एक्टोकार्पस के प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया का क्रोमोजोमल स्टेटस क्या वो कौन से टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करता है और उनकी प्लॉयडी क्या उसके बाद यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया का क्रोमोजोमल स्टेटस और वो कौन से टाइप के जूसपोर स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है मेल और फीमेल गमिट फ्यू जो है वो बनाने वाला स्ट्रक्चर कौन सा यानी इसके ऊपर चार से पांच ये क्वेश्चन बने और पूरा रिप्रेजेंटेशन देके एक क्वेश्चन बनता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स ऑफ दिस वीडियो बराबर अब इस पॉइंट में एक छोटा सा पार्ट मुझे यहां ऐड करना है और वो है अल्जीनिक एसिड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए हाथ से लिख रहा हूं फाइकोकोलोइड है ये बराबर कहाँ से मिलेगा ये लेमिनेरिया सरगासम, फ्यूकस देखो ये दो तीन नाम बड़े काम के हैं लेमिनेरिया है भाई फ्यूकस है सरगासम है इनसे ये हम लोगों को फ्रिक्वेंटली मिलता है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हम लोग इसको कर, इसका करते हैं कहाँ यूज हो रहा है अपने पसंदीदा चीजों में आइसक्रीम है जेलीज है बराबर साइजिंग ऑफ टेक्सटाइल है मैंने बोला था शुरुआत में ही आज जो वीडियो उस दिन जो वीडियो पोस्ट किया था बराबर साइजिंग ऑफ पेपर टेक्सटाइल इनमें यूज होता ही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप कौन सा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है मैच द कॉलम्स जिसमें अब छ सात क्वेश्चंस आराम से फिट होते हैं ये बात याद रहे बराबर विद दिस इट इज ऑल ओवर अबाउट ब्राउन अलगी एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी शेल बी डीलिंग विथ ग्रीन अलगी थैंक यू थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स